2014 में साइबेरिया के ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजर रहा था, तभी पायलट का ध्यान जमीन पर मौजूद एक अजीबोगरीब चीज ने अपनी तरफ खींच लिया। एक बहुत बड़ा सिंक होल जिसकी चौड़ाई 80 फीट और गहराई 15 स्टोरी बिल्डिंग जितनी थी। पायलट ने सिंक होल के करीब 2-4 चक्कर लगाए, चंद फोटोज कैप्चर की और फिर वहां से चला गया। लेकिन जब ये फोटोज इंटरनेट पर पोस्ट हुई तो ये खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। कई साइंटिस्ट, जियोलॉजिस्ट और आर्कटिक रिसर्चर्स ने आज से पहले इतना बड़ा सिंक होल कभी नहीं देखा था, और वो भी जो रातों रात बन गया हो। इसका वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि इसमें 10 ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल्स का पानी भी आसानी से भरा जा सकता है। पर ये अचानक बना कैसे? ये एक्सप्लेन करना फिलहाल किसी के बस की बात नहीं थी, एटलीस्ट ये फोटोज देखकर तो बिल्कुल नहीं। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुश आमदीद। नाजरीन, रशिया के नॉर्थ में वाके साइबेरिया का ये हिस्सा यमल पेनिनसुला कहलाता है। यहाँ एक्सट्रीम कंडीशंस की वजह से आबादी ना होने के बराबर है। पूरे यमल पेनिनसुला में सिर्फ चंद हजार खानाबदोश रहते हैं, और उनकी लैंग्वेज में यमल का मतलब है जमीन का आखिरी हिस्सा। यमल के इस सिंक होल की खबर के बाद आर्कटिक जियोलॉजिस्ट ने यहाँ का रुख करना शुरू किया। वैसे तो दुनिया में पहले भी कई बार सिंक होल्स बने हैं, और कई तो शहरों के बीच में भी नमूदार हो चुके हैं। कभी गाड़ियां निकलते देखे जाते हैं, तो कभी कभी पूरे के पूरे घर। ये सिंक होल्स ज्यादातर पानी के बहाव की वजह से बनते हैं, क्योंकि पानी नीचे की जमीन को कमजोर बना देता है। लेकिन जियोलॉजिस्ट का कहना है कि यमल का ये सिंक होल किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं लगता, क्योंकि नॉर्मल सिंक होल्स का बॉर्डर फ्लैट होता है, ना के उभरा हुआ। और जैसा कि नॉर्मल सिंक होल जमीन के हिस्से को अंदर निकल लेता है, यानी उसके अंदर से बाहर कुछ नहीं निकलता, पर यमल के इस सिंक होल पर जब गौर किया गया तो इसकी एजेस भी उभरी हुई थीं और इसका मलबा दूर दूर तक फैला हुआ था। पत्थरों के टुकड़े 200 से लेकर 900 मीटर के रेडियस तक फैले हुए पाए गए। इस तरह का मलबा वहीं देखने को मिलता है जहां कोई एस्ट्रॉइड आकर गिरा हो। पर रिसर्चर्स को सिंक होल के अंदर किसी एस्ट्रॉइड के टकराने का कोई भी एविडेंस नहीं मिला। साइंसदानों का ख्याल है कि ऐसा सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है, एक बहुत बड़ा कुदरती धमाका। नॉर्मली जमीन के अंदर उबलने वाला लावा इस किस्म के धमाके पैदा कर सकता है, पर अगर ये सच है तो सिंक होल से बाहर निकलने वाला लावा या वॉल्केनिक रॉक कहीं तो नजर आए। इस सिंक होल के इर्द गिर्द पत्थर तो हैं, लेकिन इनका वॉल्केनो से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं बनता। फिर आखिर क्रेटर जैसा दिखने वाला ये सिंक होल बना तो बना कैसे? ये जानने के लिए इसके अंदर हवा, पानी और मिट्टी के कुछ सैंपल्स कलेक्ट किए गए, और इस बार साइंसदानों को एक दिलचस्प सुराग मिल ही गया। इन तमाम सैंपल्स को जब टेस्ट किया गया तो इसमें एक चीज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाई गई, मीथेन गैस। खाना पकाने और गर्माइश के लिए इस्तेमाल होने वाली मीथेन एक नेचुरल गैस होती है जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के साथ मिलकर बनती है। अगर ये ज्यादा क्वांटिटी में हो तो हवा से मिलने पर इसमें फौरन आग भड़क उठती है। अब इस बात के काफी ज्यादा चांसेस थे कि ये सिंक होल जमीन से निकलने वाली मीथेन गैस की वजह से बना था। ये मिस्ट्री अब साइंसदानों के लिए खत्म हो चुकी थी, और उनका इस मामले की गहराई तक जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं बचा था। पर इससे पहले कि वो ये जानते कि इतनी ज्यादा मीथेन गैस आई कहां से है, यमल पेनिनसुला पे ही 8 मजीद सिंक होल्स बरामद हो गए। ये सारे सिंक होल्स भी सेम उसी तर्ज के बने हुए थे कि जैसे यहाँ कोई धमाका हुआ हो। जब सैटेलाइट इमेजेस में देखा गया तो मालूम पड़ा कि 2014 के बाद यहाँ एक के बाद एक सिंक होल्स बनते जा रहे हैं। तेजी से बनने वाले सिंक होल्स आखिर किस चीज का इशारा दे रहे थे? साइंसदान ये जानने के लिए अब फिक्रमंद होने लगे। लेकिन इससे भी ज्यादा बेचैन करने वाली चीज ये थी कि इन तमाम सिंक होल्स का क्लाइमेट चेंज के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन था। 2014 में यहाँ सबसे पहला सिंक होल बना था, और उसके अगले ही साल साइबेरिया में रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर नोटिस किया गया, और बाकी तमाम सिंक होल्स भी इसी हाई टेम्परेचर के दौरान ही बने थे।
19वीं सदी की शुरुआत से लेकर आज तक पूरी दुनिया का एवरेज टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा है, लेकिन आर्कटिक सर्कल में टेम्परेचर बढ़ने की स्पीड डबल है। तो अब साइंसदान ये सोचने पर मजबूर हो गए कि इन सिंक होल्स का क्लाइमेट चेंज के साथ क्या कनेक्शन है और अर्थ का फ्यूचर क्या होगा अगर ये एक एक करके बढ़ते गए। एक तरफ यमल के सिंक होल्स पर गहरी रिसर्च चल रही थी तो दूसरी तरफ यमल से बहुत दूर आर्कटिक सर्कल में ही साइंसदानों की एक दूसरी टीम को कुछ अनोखा देखने को मिला, जो शायद यमल के सिंक होल की पहेली को सुलझाने की सबसे अहम कड़ी थी। अलास्का के नॉर्थ वेस्ट कोस्ट के करीब इजी लेक है, जो लोकल्स के मुताबिक कुछ महीनों से बहुत ऑड बिहेव कर रही है। इजी लेक के अंदर से बबल्स निकल रहे हैं जैसा कि पानी बॉयल हो रहा हो। इस मिस्ट्री की खोज में साइंसदानों की एक टीम यहां पर आ पहुंची। इन बबल्स के सैंपल्स लिए गए तो मालूम पड़ा कि ये भी मीथेन गैस के बबल्स हैं। आर्कटिक रीजन में हल्की फुल्की मीथेन गैस का लीक होना एक बहुत कॉमन बात है, लेकिन इस केस में हैरानी की बात ये थी कि इजी लेक से हर रोज 10 टन मीथेन निकल रही थी। पूरे आर्कटिक रीजन में ये पहली बार हो रहा था कि कहीं से इतनी ज्यादा मीथेन गैस निकली हो। रिसर्च टीम ने इजी लेक में पानी के अंदर जाकर मीथेन गैस का सोर्स देखने का फैसला किया। वैसे तो इजी लेक 3 फुट गहरी है, लेकिन जिस जगह से बबल्स निकल रहे थे वो जगह बहुत ज्यादा डीप थी, जहां डाइवर्स का जाना मुमकिन नहीं था। लिहाजा सोनार स्कैनिंग की मदद से इजी लेक के नीचे जमीन का एक 3D मॉडल बनाया गया। मालूम पड़ा कि जहां से बबल्स निकल रहे हैं वहां लेक 50 फीट तक डीप हो जाती है। एक तरफ यमल में सिंक होल्स के बनने की वजह भी मीथेन गैस ही बताई जा रही थी, दूसरी तरफ इजी लेक के नीचे से भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मीथेन गैस लीक हो रही थी। ये दोनों लोकेशंस आर्कटिक सर्कल में ही आती हैं, और तो और इन दोनों के बीच में एक चीज और भी कॉमन है, वो ये कि ये दोनों लोकेशंस जमीन की ऐसी किस्म के ऊपर मौजूद हैं जिसको परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। परमाफ्रॉस्ट उस किस्म की जमीन को कहते हैं जो अंदर से पूरी तरह से फ्रोजन हो, जमी हुई हो। ये बहुत बड़े एरिया पर फैली हुई जमीन है जिसमें रशिया, कनाडा और अलास्का का काफी हिस्सा शामिल है। रीसेंट रिसर्च से मालूम पड़ा है कि आर्कटिक सर्कल में टेम्परेचर बढ़ने की वजह से परमाफ्रॉस्ट अब पिघलना शुरू हो गया है, यानी जिस जमीन पे लेक्स, पहाड़, रिवर्स और जंगलात के साथ साथ इंसान के बनाए हुए स्ट्रक्चर्स खड़े हों वो अंदर से मेल्ट हो जाए तो इसके नतीजे में जो कुछ होगा उसको इमेजिन करना भी काफी मुश्किल है। परमाफ्रॉस्ट की मेल्टिंग का सबूत इजी लेक से 600 किलोमीटर दूर अलास्का में फॉक्स टाउन के करीब जंगलात में छुपा हुआ है। ये जंगल भी परमाफ्रॉस्ट के ऊपर मौजूद है, जहां लोकल्स ने नोटिस किया है कि जंगल के दरख्त अचानक से एक तरफ को झुक गए हैं। ऐसा मालूम होता है कि जैसे इन दरख्तों की जड़ें कमजोर हो गई हों। इसके अलावा जंगल में डीप जाने पर मालूम पड़ा कि यहाँ की जमीन भी धसी हुई है और एक अजीब सा सुराख जमीन में बन चुका है। इस सुराख के अंदर पानी गिरने की आवाज लगातार सुनाई देती है, जबकि आसपास ना कोई पानी का चश्मा है ना ही कोई लेक। ये इतना बड़ा चेंज कई सदियों से नहीं हो रहा, बल्कि ये सिलसिला सिर्फ 2018 के बाद से शुरू हुआ है। पर सवाल ये है कि परमाफ्रॉस्ट के पिघलने का मीथेन गैस और यमल के सिंक होल से क्या कनेक्शन है। इस चीज को समझने के लिए फेयरबैंक अलास्का में परमाफ्रॉस्ट के अंदर ही एक टनल खोदा गया। इस टनल के अंदर क्या देखा जाता है कि जमी हुई जमीन के साथ साथ कदीम दौर के जानवरों के ढांचे भी जमे हुए हैं, जिसमें मैमेथ, स्टेप बाइसन और हजारों साल पुरानी घास भी प्रिजर्व हो रखी है। इससे ये जाहिर होता है कि परमाफ्रॉस्ट के अंदर ऑर्गेनिक मैटर की भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी है। ये तो आप सबको मालूम होगा कि तमाम ऑर्गेनिक मैटर के अंदर कार्बन होता है। जैसे जैसे पौधे उगते हैं तो वो एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जब ये मर जाते हैं तो डीकम्पोजिशन के दौरान इनमें से कुछ कार्बन वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। लेकिन आर्कटिक सर्कल में फ्रीजिंग टेम्परेचर की वजह से डीकम्पोजिशन का प्रोसेस बहुत स्लो होता है, इसलिए हजारों सालों के अरसे के दौरान बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर अब परमाफ्रॉस्ट के अंदर प्रिजर्व्ड हैं।
यानी इनकी बॉडीज अभी डीकम्पोज नहीं हुई और इनके अंदर अभी भी कार्बन मौजूद है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट के अंदर जितना कार्बन है उतना शायद पूरे अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी ना हो। लिहाजा ग्लोबल टेम्परेचर राइज की वजह से जैसे जैसे परमाफ्रॉस्ट पिघलता जा रहा है उसके अंदर मौजूद ऑर्गेनिक मैटर यानी फॉसिल्स डीकम्पोज हो रहे हैं। बैक्टीरिया इनके कार्बन को अपनी एनर्जी के लिए खाते हैं और फिर बदले में मीथेन गैस रिलीज करते हैं। इसके अलावा परमाफ्रॉस्ट पिघलने की वजह से जमीन भी सॉफ्ट हो रही है और अब इसके नीचे फंसी हुई मीथेन गैस को ऊपर तक आने में किसी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता। गैस आसानी से नरम मिट्टी में अपना रास्ता बनाती बनाती सरफेस के वीक पॉइंट से फटकर बाहर आ जाती है। ये सिंक होल्स इसी गैस के निकलने की वजह से बने हैं। यही वजह है कि आर्कटिक सर्कल में इन सिंक होल्स की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक्सपर्ट्स के नज़दीक इस मसले का अब तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला गया। बेशक हम ग्लोबल वार्मिंग पे कितना भी कंट्रोल कर लें परमाफ्रॉस्ट को पिघलने से नहीं रोक सकते। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कॉमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।